यहाँ की लेडीज हिमाचली डांस कर रही थी तो उन्होंने मुझे भी कहा, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ कुछ पल डांस में बिताए जाए। ये उहल नदी है, इसी नदी के किनारे सारा ब्रोट बसा हुआ है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दो लोग ही नहीं होते, इन भेड़ बकरियों के साथ साथ गद्दी डॉग्स भी होते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत ये क्यूट से बेबी गॉड के साथ कर रही हूँ। इस टाइम हम ब्रोट वैली हिमाचल के रास्ते में हैं। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये भेड़ बकरियां चराने के लिए निकले हुए हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि इनको कंट्रोल करने के लिए सिर्फ दो लोग ही नहीं होते, इन भेड़ बकरियों के साथ साथ गद्दी डॉग्स भी होते हैं और ये इन सबको कंट्रोल करते हैं और उनको जंगली जानवर से भी बचाते हैं। यहाँ के लोग शीप इसलिए पालते हैं क्योंकि इनके हेयर से हमें वूल मिलती है। इस टाइम इन सभी शीप्स की वूल को उतार लिया गया है, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा, नहीं तो ये दिखने में बहुत ही हैवी लगती है। चलिए अब आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ से ब्रोट वैली का सफर। चंडीगढ़ से ब्रोट वैली 228 किलोमीटर है और दिल्ली से इसकी दूरी लगभग 542 किलोमीटर है। ब्रोट वैली जो है हिमाचल के मंडी जिले में पड़ती है। सबसे पहले ब्रोट को शानन हैडल प्रोजेक्ट के लिए विकसित किया गया था, लेकिन अब यह टूरिस्ट का बेस्ट प्लेस हो गया है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा गर्मी नहीं होती। प्रोजेक्ट के साथ था यहाँ पर ट्रॉट फिश का प्रजनन केंद्र भी है। अब तो रोड्स यहाँ पे अच्छी बन गई है पर आपको कहीं कहीं सावधानी से ड्राइव करनी पड़ेगी क्योंकि रोड्स थोड़ी नैरो है। आज कैमरामैन जी ड्राइव कर रहे हैं और उनका काम मुझे करना पड़ रहा है। अब हम पहुंच गए हैं देव पशाकोट मंदिर। ये बरौट के रास्ते में ही आता है। बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन में है ये मंदिर। बरौट के रास्ते में मंदिर आता है देव पशाकोट। देव पशाकोट चहार घाटी के मुख्य देवता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ आने से आपकी हर मुराद पूरी होती है। ऐसे कठिन रास्तों के बाद जब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वहां पर ब्यूटीफुल व्यू देख के हमारी थकान बिल्कुल दूर हो जाती है। चलिए अब आप भी हमारे साथ इस खूबसूरत जर्नी का आनंद लीजिए और आसपास का व्यू देखिए। हम आपको अपनी जर्नी इसलिए दिखाते हैं ताकि आप देखकर आइडिया लगा सके कि यहाँ के रोड्स कंडीशन कैसी है और आसपास के व्यू कैसे हैं। हिमाचल में आपको हर मोड पे हॉर्न मारना बहुत जरूरी है ताकि आगे वाली गाड़ी को पता हो जाए कि गाड़ी आ रही है। अब हम रोड के रास्ते में हैं, यहाँ से स्टार्ट ही होता है। टेम्परेचर काफी लो लग रहा है, ठंड लग रही है। अच्छा सुहावना मौसम है। ये देखिए यहाँ पर भी खेती बाड़ी करते हैं लोग, खेत है ये, यहाँ पर सारे गेहूं के खेत है ये। और ये देखिए ये मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए अपने खेत में काम करने और बहुत ब्यूटीफुल व्यू बन रहा है। और ये देखिए इधर ये गांव है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है। इनकी मेन जो अट्रैक्शन होती है इनकी छतें होती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है।
जब ब्रोट वैली में हम एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग में ही हमें होमस्टे देखने को मिलते हैं। इस पॉइंट से ब्रोट वैली पूरी नजर आ रही है, चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन नजर आ रहा है। आज वेदर भी काफी अच्छा है और मौसम बहुत सुहावना है। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल व्यू बन रहे हैं। इस पॉइंट से डैम भी नजर आ रहा है और ये रिवर के साथ कैंप साइट भी नजर आ रही है। अब हम पहुंच गए हैं ब्रोट, ये एंटर कर लिया हमने ब्रोट में। ये देखिए ये मार्केट आ गई है, इसे लक्कड़ मार्केट भी कहते हैं। ये ब्रोट की मार्केट है। ये उहल नदी है, इसी नदी के किनारे सारा ब्रोट बसा हुआ है। यही जो रिवर है ये ब्रोट वैली की मेन अट्रैक्शन है। यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन है जो अंग्रेजों के टाइम की बनी हुई है। चारों तरफ आपको यहाँ भी देवदार के पेड़ नजर आएंगे, क्योंकि जहां ज्यादा ठंड होती है वहां देवदार के पेड़ ही होते हैं। ये हमारा होमस्टे है, इस होमस्टे से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। ये देवदार के पेड़ देखिए, थोड़े थोड़े बादल भी छाए हुए हैं। वैसे मौसम क्लियर है आज। ऊपर देखिए व्यू, ये ऊपर एक मंदिर है वो देखिए। अगर टाइम मिला तो जाके आएंगे वहां पे। और इस साइड का भी व्यू देखिए, और वो दूर से देखिए एप्पल ऑर्चर्ड है। और पानी की आवाज आ रही है, ये साथ में नदी है। बहुत ब्यूटीफुल व्यू है। थोड़ी इवनिंग वॉक की जाए, देखें आगे जाके क्या है। टूरिस्ट प्लेस होने के कारण यहाँ पर होमस्टे भी काफी बन गए हैं। इस रास्ते में आपको ज्यादा होमस्टे मिलेंगे। मुझे लगता है ये हट जो है वो अंग्रेजों के टाइम की है, पर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। हम पहले भी कई बार आए हैं, तब इतने होमस्टे नहीं थे। ये ब्यूटीफुल प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए अब काफी टूरिस्ट आते हैं। और ये देखिए ये एक और बन रहा है, ये कंस्ट्रक्शन चल रही है इसकी। ये हमें रास्ते में बच्चे मिले थे, क्या नाम है आपका? खुशबू। और आपका? अंकिता। इस टाइम आ रहे हो स्कूल से? नहीं, पहले धाम लगी थी इसलिए। अच्छा पीछे धाम है। अच्छा मैं देखी थी पीछे धाम चल रही है, तो मैरिज में आ गई की है ना, तो वहाँ से धाम खा के आये हो। ओके ठीक है। तो यहाँ बहुत अच्छा एटमोसफियर है, अच्छा लगता है यहाँ पे आके हमें। मोस्टली जो होम स्टे है जिस रिवर के आस पास बने हुए हैं, ताकि आप ये रिवर के पानी की आवाज सुन सके और इस व्यू का एंजॉय कर सके। यहाँ के लोगों ने देसी मुर्गियां भी पाली हुई है। हेलो, हाय जी, हेलो 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 बेटा। हाँ जी हाँ जी। यहाँ पर इनकी प्रोटेक्शन के लिए जो छोटे छोटे लकड़ी के घर बनाए हुए हैं।
चलते चलते हमें ये माता जी मिले थे और कह रहे थे कि मैं काफ़ी दूर से पैदल आ रही हूँ। अब आप ही आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा है कि ओल्ड एज में भी ये लोग हेल्दी हैं। मुझे इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। ये चारों तरफ मुझे तो होम स्टे नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, और ये नीचे ओहल नदी का पानी बहता हुआ कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये जो पेड़ के पत्ते गिरते हैं तो ये इनको इकट्ठा कर देते हैं, फिर इनको जब ज्यादा विंटर होती है तो ये जलाने के काम आते हैं। ये अच्छी चीज है कि वेस्ट नहीं करते और ये इनको इकट्ठा कर देते हैं और ये फिर जलाने के काम आते हैं विंटर में ना। ये ट्रैक नदी के किनारे बना हुआ है। आगे एक जगह आती है ठंडा पार्क, वहां आप विजिट कर सकते हो। उसे ठंडा पार्क इसलिए कहते हैं कि वहाँ हर टाइम ठंडक ही रहती है, जितनी मर्जी गर्मी हो वहाँ हमेशा ठंडा ही रहता है। ये जगह इतना सुकून दे रही है, ये साथ में पानी की आवाज है और पीछे देखिए ये कैंप साइट है। ये मॉर्निंग आपको ये दिखाएंगे कैंप साइट, और इस टाइम बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ब्यूटीफुल व्यू बन रहे हैं यहाँ पे ना। ये देखिए पानी की आवाज, और यहाँ बैठकर आप मेडिटेशन भी कर सकते हो, क्योंकि जो पानी की आवाज है वो मेडिटेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कितने लकी है ये लोग जो नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, और ये गांव देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ओहर नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया हुआ है और ये ब्रोड के दोनों साइड को जोड़ता है। आप इसे पार करके दूसरी तरफ भी जा सकते हो। वहां पर ब्रोड की मेन मार्केट है, वहां से आप जरूरत का कोई भी सामान ले सकते हो। ये हम ब्रिज के बीच में पहुंच गए थे, ऊपर से हम आपको व्यू दिखा रहे हैं। ये देखिए पानी भी कितना साफ है। ये आप क्या तोड़ रहे हो? पुदीना। पुदीना मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। ये सामने दिखाई दे, मतलब ऐसा ना, ये बीच में घास भी है ना। अच्छा जी, इसमें लग से देखना पड़ेगा। और दूसरे नंबर ये गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, गैस्ट्रिक के लिए। हाँ जी, हाँ जी। पेट में कब्ज है कुछ, गैस की चटनी बनाई गई नारदाम के साथ, ठीक है जी, बीमारी दूर करता है। ओके ओके, वैसे खुशबू काफी आ रही है इसकी ना। खुशबू काफी होती है ना। हाँ जी, हाँ जी। घास नहीं है, ज्यादा घास है ना। हाँ जी। अगर अकेला हो जाए तो पूरा स्मेल हो जाएगा इसका। ओके, बहुत अच्छी चीज है ये। हाँ, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने कहा कुछ ना, हाँ जी, जो भी बंदा खाए चाय बना के पी लेगा अच्छा है। ओके, कई बीमारी दूर करेगा ये। ओके, थैंक यू जी, आपने इसमें जो नारदाना डालना पड़ेगा। अच्छा, ये दिखाना। वाह, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये लग रहा है पहाड़ी पुदीना, सच में बहुत खुशबू है इसमें। बुर्ज का फूल देखा आपने? बुर्ज का फूल वो कहाँ है पर? अच्छा, उसका उसके साथ बनता है मिर्च चटनी। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ में लगा हुआ है? मैंने निकाल के लगाया, लाया ना कहीं। अच्छा अच्छा, पहाड़ों में होता ना वो। अच्छा ठीक है, ये बुरुष का फूल है जो चटनी का मैंने पुदीना बताया, पुदीने के साथ इसका मेल होता है, बुरुष का फूल। ओके, हाँ ये देखिए, ये
ये अच्छा ये रेड कलर में होता है, रेड कलर का। वैसे मैंने बताया था फर्स्ट ब्लॉक में अपने, और मैंने उसका पेड़ भी दिखाया था कि ये जो फूल है इसकी चटनी बनती है, चटनी बनती बहुत अच्छी, इसकी चटनी बनती है, बनती है, नाक में नक्शी निकलती है, वहाँ उसमें भी उसको पीस पीस के इसका मतलब नाक में लेके नजरा वो जो खून बंद हो जाएगा। ओके तो काफी ये फायदेमंद है इसका मतलब। ओके थैंक यू जी, बैठो। बस जी बस बैठो। क्या है ठीक है ठीक है जी। अब तो बच्चे पढ़ लिखे ना जी। हाँ जी, पहले हमारी यहाँ अनपढ़ता होती थी जी। हाँ जी, लड़कियों को पढ़ाना बड़ा मुश्किल होता था, लड़के तो पढ़ जाते। जिस होम स्टे में हम ठहरे हुए हैं उनकी फैमिली की ये मैरिज है, और यहाँ पर इन्होंने पहाड़ी धाम का अरेंजमेंट किया हुआ है, और वह कह रहे थे कि आप भी मैरिज का एंजॉय कर सकते हो। हमें इनवाइट तो कर ही दिया है, हमने भी फर्स्ट टाइम हिमाचल की मैरिज देखनी है, चलिए आपको भी दिखाते हैं। इस पालकी में बिठाकर दूल्हे को लेके आते हैं। यहाँ की लेडीज हिमाचली डांस कर रही थी तो उन्होंने मुझे भी कहा, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके साथ कुछ पल डांस में बिताए जाए। मैं अब पहाड़ी धाम खाने लगी हूँ, बहुत टेस्टी लग रही है, ये देखिए। सोया चाप ये इस टाइम डाल रहे हैं, सोया चाप, ये देखिए। ये क्या है? मिर्ची। ये मिर्ची इनके लिए। इसी सुहावने मौसम के साथ आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं हम लापास वाटरफॉल के साथ।